बड़ी का फल। किसी गांव में दो मित्र रहते थे। बचपन से उनमें बड़ी घनिष्ठता थी। उनमें से एक का नाम था पापबुद्धि और दूसरे का धर्मबुद्धि। पापबुद्धि पाप के काम करने में हिचकिचाता नहीं था। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था जबकि वह कोई न कोई पाप न करे। यहाँ तक कि वह अपने सगे संबंधियों के साथ भी बुरा व्यवहार करने में नहीं चूकता था। दूसरा मित्र धर्मबुद्धि सदा अच्छे अच्छे काम किया करता था। वह अपने मित्रों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए तन मन धन से पूरा प्रयत्न करता था। वह अपने चरित्र के कारण प्रसिद्ध था। धर्मबुद्धि को अपने बड़े परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था। वह बड़ी कठिनाइयों से धनोपार्जन करता था। एक दिन पापबुद्धि ने धर्मबुद्धि के पास जाकर कहा, मित्र तूने अब तक किसी दूसरे स्थानों की यात्रा नहीं की, इसलिए तुझे और किसी स्थान की कुछ भी जानकारी नहीं है। जब तेरे बेटे पोते उन स्थानों के बारे में तुझसे पूछेंगे तो तू क्या जवाब देगा? इसलिए मित्र मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ घूमने चल। धर्मबुद्धि ठहरा निष्कपट। वह छल फरेब नहीं जानता था। उसने उसकी बात मान ली। ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवा कर वे यात्रा पर चल पड़े। चलते चलते वे एक सुंदर नगरी में जाकर रहने लगे। पापबुद्धि ने धर्मबुद्धि की सहायता से बहुत सा धन कमाया। जब अच्छी कमाई हो गई तो वे अपने घर की ओर रवाना हुए। रास्ते में पापबुद्धि मन ही मन सोचने लगा कि मैं इस धर्मबुद्धि को ठग कर इस सारे धन को हथिया लूं और धनवान बन जाऊं। इसका उपाय भी उसने खोज लिया। दोनों गांव के निकट पहुंचे। पापबुद्धि ने धर्मबुद्धि से कहा, मित्र ये सारा धन गांव में ले जाना ठीक नहीं। ये सुनकर धर्मबुद्धि ने पूछा, इसको कैसे बचाया जा सकता है? पापबुद्धि ने कहा, सारा धन अगर गांव में ले गए तो इसे भाई बटवा लेंगे और अगर कोई पुलिस को खबर कर देगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस धन में से आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा लेकर बाकी को किसी जंगल में गाड़ दे, जब जरूरत पड़ेगी तो आकर ले जाएंगे। ये सुनकर धर्मबुद्धि बहुत खुश हुआ। दोनों ने वैसा ही किया और घर लौट गए। कुछ दिनों बाद पापबुद्धि उसी जंगल में गया और सारा धन निकालकर उसके स्थान पर मिट्टी के ढेले भराया। उसने वह धन अपने घर में छिपा लिया। 3-4 दिन बाद वह धर्मबुद्धि के पास जाकर बोला, मित्र जो धन हम लाए थे वह सब खत्म हो चुका है, इसलिए चलो जंगल में जाकर कुछ धन और ले आए। धर्मबुद्धि उसकी बात मान गया और अगले दिन दोनों जंगल में पहुंचे। उन्होंने गुप्त धन वाली जगह गहरी खोद डाली मगर धन का कहीं भी पता न था। इस पर पापबुद्धि ने बड़े क्रोध के साथ कहा, धर्मबुद्धि ये धन तूने ले लिया है। धर्मबुद्धि को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, मैंने ये धन नहीं लिया। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा नीच काम कभी नहीं किया। ये धन तूने ही चुराया है। पापबुद्धि ने कहा, मैंने नहीं चुराया, तूने ही चुराया है। सच सच बता दे और आधा धन मुझे दे दे, नहीं तो मैं न्यायाधीश से तेरी शिकायत करूंगा। धर्मबुद्धि ने यह बात स्वीकार कर ली। दोनों न्यायालय में पहुंचे। न्यायाधीश को सारी घटना सुनाई गई। उसने धर्मबुद्धि की बात मान ली और पापबुद्धि को 100 कोड़े का दंड दिया। इस पर पापबुद्धि कांपने लगा और बोला, महाराज वह पेड़ पक्षी है, हम उससे पूछ ले तो वह हमें बता देगा कि उसके नीचे से धन किसने निकाला है। ये सुनकर न्यायाधीश ने उन दोनों को साथ लेकर वहां जाने का निश्चय किया। पापबुद्धि ने कुछ समय के लिए अवकाश मांगा और वह अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी अगर आपको ये धन और मेरे प्राण बचाने हो तो आप उस पेड़ की खोखर में बैठ जाएं और न्यायाधीश के पूछने पर चोरी के लिए धर्मबुद्धि का नाम ले दें। पिता राजी हो गए। अगले दिन न्यायाधीश पापबुद्धि और धर्मबुद्धि वहां गए। वहां जाकर पापबुद्धि ने पूछा, ओ वृक्ष सच बता यहाँ का धन किसने चुराया है? खोखर में छिपे उसके पिता ने कहा, धर्मबुद्धि ने। ये सुनकर न्यायाधीश धर्मबुद्धि को कठोर कारावास का दंड देने के लिए तैयार हो गए। धर्मबुद्धि ने कहा, आप मुझे इस वृक्ष को आग लगाने की आज्ञा दे दें। बाद में जो उचित दंड होगा उसे मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। न्यायाधीश की आज्ञा पाकर धर्मबुद्धि ने उस पेड़ के चारों ओर खोखर में मिट्टी के तेल के चितले तथा उपले लगाकर आग लगा दी। कुछ ही क्षणों में पापबुद्धि का पिता चिल्लाया, अरे मैं मरा जा रहा हूँ, मुझे बचाओ। पिता के अधजले शरीर को बाहर निकाला गया तो सच्चाई का पता चल गया। इस पर पापबुद्धि को मृत्यु दंड दिया गया। धर्मबुद्धि खुशी खुशी अपने घर लौट गया।